तो मेरा नाम अभिषेक है। आरबीआई ने एक महीना पहले 4 मई को रेपो रेट इंक्रीज कर दिया था, बढ़ा दिया था। देन अगेन अब ये जून है और 5 वीक के अंदर ही अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई को, इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए फिर से रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो बाद में देखिएगा, पिछली बार भी मैं वीडियो लाया था और आपको बताया था क्या होती हैं वजह हैं। इस बार भी वजह लगभग वही सिमिलर हैं जो पुरानी वजह रही हैं। बाद में जो वार टेंशन है इन यूरोप, तो वो एक मेन वजह बताई जा रही है। और साथ ही साथ देखिएगा कि जो रिपो रेट है, असल में अगर कॉन्सेप्ट को आप देखें तो जिस रेट पे केंद्रीय बैंक, आप बोल सकते हैं आरबीआई, रुपए प्रोवाइड करता है टू कमर्शियल बैंक्स, तो वो होता है इंटरेस्ट रेट, रिपो रेट। और उसी के आधार पे आप यूजुअली देखते हैं कि जो लोन का अमाउंट है वो सस्ता है या ज़्यादा है। अगर रेपो रेट कम रहता है तो जो बैंक्स हैं वो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड कर दिया करती हैं। तो अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट कम है, ब्याज दर अगर कम है, तो हम ज़्यादा लोग लोन को अप्रोच करेंगे। बाद में ये जो घटना है ये 2009 में भी हुई थी, जब आपको पता होगा कि वर्ल्ड क्राइसिस आ गया था, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया था 2009 में। उस टाइम का मेरे पास ही डेटा है सामने, मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ। तो देखिएगा था क्या कि 2008 में 3 नवंबर को ये 7.50% था रेपो रेट, देन 6.5 ये ग्रेजुअली कम होता गया। आप यकीन मानिए, जो पहले अगर पुराने और आप टाइम पे जाएं तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा रहा है, 9% तक रहा है। ये 30 जुलाई 2008 को 9% तक रेपो रेट रहा है, मतलब आपको ब्याज दर भी उस हिसाब से ज़्यादा मिला करता था। आपको याद होगा कि जो बैंक्स हैं तो कुछ साल पहले आपको 10-10%, 12-12% तक भी ब्याज दिया करती थी कुछ बैंक्स। तो मेन इसके पीछे की वजह ये है कि उस टाइम पे रेपो रेट ज़्यादा हुआ करता था काफ़ी टाइम पहले। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली कम हुआ था, जब पूरा क्राइसिस हो गया था मार्केट पे, तो वापस से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें खरीदें और मार्केट में एक रुपए का चलन ज़्यादा हो जाए, तो ये एक बार हिस्टोरिकली कम कर दिया गया था 21 अप्रैल को 2009 में 4.75%। दिन उसके बाद ये ग्रेजुअली बढ़ता गया, 2009 के बाद से, 21 अप्रैल के बाद से ये लगातार बढ़ता रहा था। दिन ये 2014 में फिर हल्का पीक पे गया था, 1% पे गया था 28 जनवरी को। दिन उसके बाद ये डाउनफॉल हुआ है। और जो ट्रेमेंडस आप बोल सकते हैं कि डाउनफॉल अगर हुआ है इसके इंटरेस्ट रेट में या फिर रिपो रेट में आप बोल सकते हैं, तो वो हुआ है अक्टूबर 2019 में 5.15% था। दिन उसके बाद कोविड की वजह से और कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई थी, तो 27 मार्च 2020 को 4.40% हो गया था। देन आपको पता होगा कि लॉकडाउन पूरा लग गया था, पूरी गतिविधियां, जितने बिजनेस हैं सब ठप हो गए थे, लोगों के पास पैसा नहीं था। तो इसीलिए ज़्यादा कम ब्याज पे लोन देना, ये सब प्रोवाइड करना एक आरबीआई की पॉलिसी रही है। तो 2020 में लास्ट टाइम पे रिपो रेट पे कोई छेड़खानी की गई थी या फिर कम ज़्यादा किया गया था, तो कम किया गया था 22 मई 2020 को 4% पे लाके रख दिया गया था। देन उसके बाद से 4 मई 2022 को पिछले महीने इसे बढ़ा के 4 BPS बेसिक जो पॉइंट्स है उसे इंक्रीज किया गया था। देन अगेन इसे 5 BPS इंक्रीज किया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि अब जो आपको लोन्स मिलेंगे बैंक के द्वारा वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, मार्केट में रुपए की कमी होगी, और जो आप चीज़ों के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, वो ग्लोबल टेंशन हो सकता है, इंटरनल कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई भी वजह हो, लेकिन बाय द वे जो इन्फ्लेशन अनकंट्रोल टाइप का बढ़ता जा रहा है, तो एक महीने के अंदर ही अगर ये अगेंस्ट इंक्रीज कर दिया गया है रिपो रेट, तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लेशन पे हल्का सा कर्व जरूर देखेंगे। लेकिन पर्सनली माय एक्सपीरियंस ये बोलता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ लेट हो गया है, महंगाई ऑलरेडी उस लिमिट को क्रॉस कर चुकी है, जो कि ऑलरेडी आरबीआई ने बोला है कि ये हम सोच नहीं रहे थे कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, हमारे वो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो दिस इज़ ऑल न्यूज़ रिपोर्ट दोस्तों, अपने का धन्यवाद।